Assalamualaikum students, how are you? It's time for your computer class. Open your computer book, page number 29. In the last video, we discussed about the keys of a keyboard. एक कीबोर्ड के ऊपर कितनी कीज होती हैं और किस की का क्या फंक्शन होता है. Today we will revise all the keys. आपको सबसे ऊपर चेक की टर्म्स नज़र आ रही हैं. Let's read them and revise. Cursor. It is a small blinking line on the monitor that shows the position of the next letter or number to be entered. Cursor क्या होता है? जब हम कंप्यूटर के ऊपर कोई काम कर रहे हैं, कोई टाइपिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक लाइन आती है जो ब्लिंक करती रहती है. उसका काम ये होता है कि वो हमें बताती है कि अब जो हम नंबर या लेटर लिखेंगे उसकी पोजीशन क्या होगी. अगर वो लाइन नहीं आती तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम लिख कहाँ रहे हैं. तो कर्सर का फंक्शन क्या है? It is a small blinking line on the monitor that shows the position of the next letter or number to be entered. इसके बाद आ गया कर्सर कंट्रोल कीज़. इनको हम एरो कीज़ भी कहते हैं. इनका क्या काम होता है? दीज आर यूज फॉर मूविंग द कर्सर ऑन द मोनीटर. अप डाउन राइट लेफ्ट ये कीज़ होती हैं और इनका काम होता है कर्सर को मॉनिटर के ऊपर मूव करने के लिए. अगर हमारे पास माउस नहीं है और हम विदाउट माउस सिर्फ कीबोर्ड से कर्सर को मूव करना चाहते हैं तो हम इन कीज़ को दबाएंगे, इनके ज़रिए हम मूव करेंगे. नेक्स्ट बैकस्पेस की. इट इज़ यूज टू इरेज एनी थिंग टाइप्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर. डिलीट की. इट इज़ यूज टू इरेज एनी थिंग टाइप्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर. बैकस्पेस की और डिलीट की इन दोनों का सेम फंक्शन है. ये दोनों किसी लेटर को या नंबर को डिलीट करती हैं. लेकिन जो बैकस्पेस की है वो लेफ़्ट साइड से डिलीट करती है और जो डिलीट की है वो राइट साइड से इरेज करती है. दोनों का फंक्शन सेम है, सिर्फ पोजीशन डिफरेंट है. कैप्स लॉक की. इट इज़ यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स यूजिंग द अल्फ़ाबेट की ऑफ अ कीबोर्ड. कैप्स लॉक की का क्या काम होता है? कैप्स लॉक की, अगर हमने कुछ भी कैपिटल लेटर में लिखना है तो हम कैप्स लॉक की दबाएंगे और हम टाइपिंग स्टार्ट कर देंगे तो जो हमारे लेटर्स हैं वो कैपिटल में आ जाएंगे. नमलॉक की. इट इज़ यूज टू टाइप नंबर्स यूजिंग न्यूमेरिक कीपैड ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड. हमारे कीबोर्ड के ऊपर जो राइट साइड के ऊपर नंबर्स हैं एरो कीज़ के साथ में, जो नंबर्स हैं वो नंबर्स को अगर आपने यूज़ करना है तो आपको न्यूमेरिक की को ऑन करना पड़ेगा. अगर न्यूमेरिक की ऑफ है तो फिर आप नंबर्स उस कीपैड के ज़रिए नहीं लिख सकते. टैब की. इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द राइट बाय मैनी स्पेसेस. एक होता है स्पेस बार और एक होता है टैब की. स्पेस बार एक सिंगल स्पेस देता है लेकिन टैब की बहुत सारे स्पेसेस को एक साथ दे सकता है. अगर हमने सिंगल स्पेस देनी है तो हम स्पेस बार यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक साथ बहुत सारे स्पेसेस आ जाएं तो हम टैब की दबाएंगे. द लास्ट वन इज़ एस्केप की. इट इज़ यूज टू कैंसिल अ मेन्यू और अ डायलॉग बॉक्स. अगर हमारे सामने कोई मेन्यू या डायलॉग बॉक्स आया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर हमने स्टार्ट मेन्यू ओपन किया है और हम इसको क्लोज करना चाहते हैं तो हम एस्केप की दबाएंगे. एस्केप की जैसे ही हम दबाएंगे तो फौरन वो डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाएगा. ओके, आई होप ये आपको सारे समझ आ गए हैं. आपका आज का काम ये है कि आप ये सारे ट्रिकी टर्म्स लर्न करेंगे एंड किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर जो आपके घर में हैं वहाँ पे ये सारे कीज़ को प्रेस करके इनके फंक्शन को चेक करेंगे. इन कीज़ को भी प्रेस करना है, उसके बाद कर्सर कंट्रोल कीज़ आपने देखनी है किधर हैं और उनको किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं. कर्सर को आपने देखना है कि जब आप वर्ड खोलेंगे या नोटपैड खोलेंगे तो आपने देखना है कि कर्सर आपका किधर आ रहा है और उससे हम क्या काम कर रहे हैं. इन सारी कीज़ के आप फंक्शन चेक करेंगे प्रैक्टिकली एंड इनकी डेफिनेशंस आपने लर्न करनी है. ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो.